आज आप पूरे 1 साल बाद आई हैं। एक्चुअली मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आ रही थी और फिर मुझे लगा कि इलाज कराने का कोई फायदा नहीं है। फायदा नजर नहीं आए तो इलाज छोड़ नहीं देते, आगे इलाज कराते हैं। वो मेरे हस्बैंड को पहले औलाद का शौक नहीं था तो इसीलिए मैंने आना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ। और अब उन्होंने फरमाइश कर दी औलाद की। फरमाइश तो नहीं की है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो भी चाहते हैं हमारे घर औलाद। अच्छा हुआ वक्त पे आ गया, बिना डिहाइड्रेशन हो जाता उल्टियां कर करके। इसलिए तो कहती हूँ कि उसे बताकर कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। वैसे भी जब तुम उसे बताओगे हमारी शादी के बारे में और बच्चे के बारे में तो फेस नहीं कर पाओगे। कुछ दिन के लिए उसकी नजरों से ओझल हो जाओ ना। अरे पहले डॉक्टर से मिलना है, चेकअप करा ले, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी ना। तुम जानते हो उस डॉक्टर को? नहीं मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन अजरा के मुंह से कई बार तारीफ सुनी है इस हॉस्पिटल की और यहाँ के डॉक्टर्स, वो कई बार आती जाती है। वाह क्या किस्मत है मेरी, मोहब्बत अजरा की, शौहर अजरा का और अब अस्पताल भी अजरा। नए टेस्ट तो मैं सारे करवा लूंगी, लेकिन आप मुझे प्लीज ये बताएं कि पुराने टेस्ट के मुताबिक क्या मैं माँ बन सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स वाली खवातीन कंसीव कर लेती हैं। मैंने नए टेस्ट लिखे हैं, आप ये कराएं फिर हम आपका इलाज शुरू करेंगे। डॉक्टर अब तो मेरी देवरानी की भी शादी हो गई है, नंदों की भी शादियां हो गई है और सबके औलाद हो गई है, मगर मेरी अब तक नहीं हुई। आप परेशान क्यों होती हैं? अल्लाह पे भरोसा रखें, कभी कभी अल्लाह के हुक्म में देर होती है। और हाँ, ये मैंने नए टेस्ट लिखे हैं आपके हस्बैंड के, ये भी कराना जरूरी है। चलो अब तुम चलो, मुझे बैंक जाना है। तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ जाओ ना, मेरा दिल बहुत घबरा था। अब तो तुमने डॉक्टर के मुंह से खुद ही सुन लिया है कि मेरी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। जानता हूँ, इसीलिए यही सोचा है मैंने कि आज काम से सीधा तुम्हारे पास ही आ जाऊं, तुम्हें खाना खिला के, दवाई खिला के, सुला के फिर ही घर जाऊं। एक बार उसे बता ही क्यों नहीं देते, एक ही बार कयामत आ जाए ना। किसका है और फोन ही कौन करता है मुझे, एक तुम और एक तुम्हारी बीवी। तो अब वो मेरी बीवी हो गई, सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं रही।
वाकई देर हो रही है, चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। नापस। तुम्हें मैं कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों उठा रही है? तुमने मुझे फोन किया था, मुझे पता भी नहीं चला बैग में था। सॉरी, कहाँ से आ रही हो तुम? यार वो तबीयत ठीक नहीं थी ना तो हॉस्पिटल गई थी मैं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो ऊपर चल के बात करो। चल। मोना, वैसे तुम्हें हुआ क्या है? पता नहीं, कमजोरी हो गई है, उल्टियां बहुत हो रही है ना इस वजह से। तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ प्लीज। अच्छे डॉक्टर को दिखाना ही होगा। होना ये शर्ट किसकी है? ये वो अजी भाई की है, कराची आए हुए थे ना, छोड़ गए। हैरत की बात है, बिल्कुल ऐसी शर्ट शामिर के पास भी है मगर लाहौर गए थे ना तो वो वहीं भूलकर आ गए। हाँ, इस कंपनी ने सिर्फ एक ही शर्ट बनाई है और वो तुम्हारे शामिर के पास है, और तो कोई पहन ही नहीं सकता। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नजी भाई का तुम पे दिल आ गया हो? नहीं, उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। मोना, पसंद का क्या है, पसंद बदल जाती है। तुम्हें यकीन है कि पसंद बदल जाती है? पसंद बदल जाती है मगर मोहब्बत नहीं बदलती। उनके बच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं है। तो फिर उन्हें चाहिए कि वो तुमसे दूसरी शादी कर ले। मजाक कर रही हूँ, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढ दे वो। अच्छा छोड़ो ना इस किस्से को, तुम बताओ अचानक कैसे आना हुआ? डॉक्टर के पास गई थी मैं। डॉक्टर के पास क्यों? मैंने फिर से इलाज शुरू करवा दिया अपना। अज़रा तुम भी ना, ये जो तुम इलाज के चक्कर में पड़ जाती हो ना, तुम्हारी और शामिर की सिर्फ लड़ाई होगी खर्चे के ऊपर, और फिर तुम रो रो के मुझे पूरा किस्सा सुनाओगी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने शामिर की आंखों में बच्चे के लिए दिलचस्पी देखी है। कैसे? कल जब वो लाहौर से आए थे ना, फिर रात को बैठ के अपने लैपटॉप पे बच्चों की तस्वीरें देख रहे थे, तभी मुझे अंदाजा हो गया कि अब इन्हें औलाद चाहिए। और अब देखना, मेरा इलाज भी करवाएंगे और बहुत शौक से करवाएंगे। आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं अज़रा, क्योंकि खा के आया, एक दोस्त के साथ खा लिया था। प्लीज लाइट बंद कर दोगी, मुझे सोना है, नींद आ रही है। सुने, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास मुझे कुछ भी जरूरी कहने के लिए होगा। वो आज मैं निधि डॉक्टर के पास गई थी। कब? देखा, आपकी नींद उड़ गई ना, और ना चीज ही ऐसी होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया, बाप भी अपनी जेब ढीली करने की तैयारी कर ली। पर क्यों? क्योंकि मैंने आपके चेहरे पर औलाद की ख्वाहिश पढ़ ली थी। अज़रा मेरी बात सुनो, तो एक तरह तुम्हें मेरी फेस रीडिंग करने की कोई जरूरत है नहीं, और दूसरा मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। ओके शामिर,
ख्वाहिश जाग ही गई है तो उसे मेरे खातिर सुनाए नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि टेस्ट करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपको मुझे टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं कि कब चलना है डॉक्टर के पास। क्या क्या क्या, मैं फिर से टेस्ट कराऊं? अभी कुछ ही महीने पहले कराए थे ना टेस्ट और सब क्लियर आया था। अगर डॉक्टर ने कहा है कि तो आपके डॉक्टर को कहो कि भाड़ में जाए या आराम से जाके उसको समझाओ कि मैं सही हूं, मैं नॉर्मल हूं, ना मुझे कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है ना ही कोई रिपोर्ट दिखाने की जरूरत है। सही है, जो भी मेहनत करनी है ना उसको तुम्हारे पे करें, मुझ पर नहीं। प्लीज लाइट्स बंद कर दो सोना। सो जाओ, बंद कर दो लाइट को, सो जाओ प्लीज प्लीज। नाश्ता कर लो। नाश्ता तो करते जाएं। जाने दो, मुझे देर हो रही है। मेरी बात सुने, ऐसी कौन सी नई बात कह दी मैंने जो आपको बुरी लग गई? मेरे कान ना जाने दो। शामिर, अच्छा आप खुद मुझे एक बात बताएं। इधर देखिए, क्या आपको औलाद नहीं चाहिए? क्या आपको बच्चा नहीं चाहिए? शामिर मैं जानती हूँ आपको चाहिए, प्लीज मेरा साथ दें। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी कॉम्प्लिकेशन से मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आपको इलाज नहीं कराना ना आप मत करवाएं, लेकिन मुझे तो इलाज करवाने दें, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, प्लीज़ मुझे पैसे दें। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी इन फजूलियात के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और एक और बात, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मुझे तुमसे ना तो औलाद चाहिए ना ही मुझे कुछ भी और चाहिए, मुझे बस प्लीज थोड़ा सा सुकून चाहिए, वो मिल सकता है कि नहीं बता दो। और तुम कहती हो ना तो मैं तो घर पे भी नहीं आऊंगा, वो लाऊं कि ना। और हाँ एक और बात, एक और बात, दोबारा कभी मुझसे ये इलाज विलाज की बात नहीं करना, कभी नहीं।